हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे टॉपिक्स जो मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं ये सारा का सारा आज कंप्लीट कर दूं। तो आप पहला टॉपिक जो देख रहे हैं वो लिखा हुआ है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। उसका रीजन ये है कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन को बताना चाहते हैं कि इसमें कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन की मात्रा कितनी है, तो उसको बताने के लिए देयर आर टू मेथड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। वन इज क्वालिटेटिव मेथड एंड द अदर इज क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड में हम लोगों ने क्या किया, क्या क्या कहा था भाई, अगर ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, इस तरह के वर्ड्स को यूज करके हम जब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन, यानी क्वालिटेटिव टर्म्स यूज फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हमें सिर्फ ये बता देने से काम चलने वाला नहीं है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, वो सिर्फ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या बहुत ज्यादा वीक है या डाइल्यूटेड है या कंसंट्रेटेड है, इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू एक्सप्रेस दिस कंसंट्रेशन टर्म्स क्वांटिटेटिवली। टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन क्वांटिटेटिवली वी रिक्वायर सम फॉर्मूला और सम एक्सप्रेशन टर्म्स इन विच वी कैन एक्सप्रेस इट। तो अगर हमें उसे एक्सप्रेस करना है तो हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसमें हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देयर आर टोटल 7 टर्म्स जिसमें हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, लाइक तीन तो यहां पर मैंने ऐसे लिखा है, पर पहले भी मैंने आपको ये पढ़ा दिया है कि वेट बाय वेट, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म बताने का तरीका होता है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाने बताने का तरीका होता है। वेट बाय वॉल्यूम, ये भी एक टर्म होता है। और आपको ध्यान होगा मैंने लास्ट क्लास में पार्ट्स पर मिलियन, तो कुल मिलाकर ये 7 तरीके होते हैं जिससे आप किसी भी कंसंट्रेशन को, यानी किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हैं। ये 4 मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है लास्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मैं आपको ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये सिखाऊं, मोलारिटी क्या होती है ये सिखाऊं, और मोलालिटी क्या होती है ये सिखाऊं। और ये तीनों खत्म हो जाने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मुझे पढ़ाना है वो क्या है, सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी हम किसे कहते हैं, सॉल्युबिलिटी को किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी में क्या बेसिक पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है, तो आपको उसके डेफिनेशन भी पढ़ना है और साथ साथ किस फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है ये भी पढ़ना है। ये पढ़ लेने के बाद हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है, जो सॉल्युबिलिटी हमें चेक करनी है, वो सिर्फ 3 ही चेक करना है। एक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, एक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, एक है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। मतलब हमने जो पूरा टेबल बनाया था उस टेबल में से सिर्फ 3 ही हमें पढ़ना है स्पेसिफिकली, जिसमें सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, और आपका जो सॉल्यूट है वो क्या हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स भी पढ़ना है डिटेल में, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड भी पढ़ना है डिटेल में। पर आज के क्लास में या फिर यहां तक अगर मैं पढ़ा पाऊं तो वेरी गुड, और एल्स नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड के बारे में पढ़ाऊंगा। उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सॉल्युबिलिटी के, जो सॉलिड्स इन लिक्विड के टर्म्स में यूज होते हैं, जैसे डिसोल्यूशन किसे कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। कुल मिलाकर मुझे लगता है शायद ये पूरा कंप्लीट करने में आई विल टेक 2 लेक्चर्स। तो आज मैं जहां तक कोशिश करता हूं कि एटलीस्ट यहां तक कंप्लीट करा दूं, और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो मैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, और फिर उसके बाद आगे की कहानी जहां पे मुझे हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ, ये सारी बातें बतानी, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालें मोल फ्रैक्शन। आपने हेडिंग डाल लिया मोल फ्रैक्शन, लिखे मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन, लिखे इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट to the total number of moles of all the components present in the solution. मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं,
इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। और जो टर्म हम लोग इसके लिए यूज करते हैं उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, जो कि एक तरीके का एक्स ही लिखा हुआ है पर इसको जाई के फॉर्म से हम लोग डिनोट करते हैं। तो आप मोल फ्रैक्शन कैसे लिखोगे? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जब लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, आप लिखोगे मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट, जो भी कॉम्पोनेंट आप ले रहे हो। अब कॉम्पोनेंट क्या क्या हो सकता है? कंपोनेंट या तो सॉल्यूट हो सकता है या फिर सॉल्वेंट हो सकता है, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन। अब ध्यान से समझिए कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन अगर बाइनरी नेचर का हुआ तो दो ही प्रकार के उसमें चीजें पाई जाएंगी, या तो उसमें सॉल्यूट होगा नहीं तो सॉल्वेंट होगा। तो अब अगर मेरे को कोई बोलता है कि तुम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालो, अगर समबडी टेल्स यू टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आपका फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये भी इसका करेक्ट एक्सप्रेशन होगा। अब थोड़ा और ध्यान से देखिए, अगर मैं सॉल्यूट के जगह सॉल्वेंट लिख देता हूं तो मेरा एक्सप्रेशन किसमें बदल जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में बदल जाएगा। और अगर मैं इसे दूसरे टर्म्स में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मेरे को कोई मोल फ्रैक्शन निकालने कह रहा है आइदर ऑफ सॉल्यूट और ऑफ सॉल्वेंट, द फॉर्मूला व्हिच आई विल यूज इज मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और इन दोनों को जोड़ देंगे। और अगर ये बाइनरी सॉल्यूशन है तो क्या आएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और जब सॉल्वेंट के टर्म्स में निकालेंगे तो लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जो अगेन क्या लिखा हुआ है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टर्म जो आप देख के भी पहचान लेंगे या सोचेंगे तो आप निकाल पाएंगे। अगर देखिए मैं इन दोनों को, इसे अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं, कैन आई ऐड दीस टू इक्वेशंस? इफ आई ऐड दीस टू इक्वेशंस तो मैं क्या लिखूंगा? moles of solute plus moles of solvent, this will be written on the left hand side. Right hand side को देखिए मैं क्या लिखता हूँ? moles, मैं solute को थोड़े देर के लिए A मान रहा हूँ, मैं क्या लिखूंगा? moles of A, और solvent को B मान रहा हूँ, तो moles of B plus नीचे वाले term को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? moles of B divided by moles of A plus moles of B, where मैं A और B किसको मान रहा हूँ? ध्यान दीजिए, solute को मैंने A मान लिया है और solvent को मैंने B मान लिया है। अगर ऐसा लिखते हैं तो अगले स्टेप में अगर मैं इन दोनों का LCM ले लूं तो क्या लिखूंगा? moles of A plus moles of B, this will be LCM। और जब आप इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? ऊपर भी आ जाएगा moles of A plus moles of B। इसको देखिए दोनों बराबर है, 1 आएगा। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट एक रिलेशन हम लोगों ने यहां पर भी डिराइव किया, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जिसे आपको क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व योर न्यूमेरिकल्स। ये वाला जो फॉर्मूला है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये तो वो फॉर्मूला हो गया जहां पे सिर्फ एक सिंगल सॉल्वेंट, एक सिंगल सॉल्यूट और एक सिंगल सॉल्वेंट है। यानी ये जो फॉर्मूला भी हम लोगों ने लिखा है ये किसके लिए लिखा है? इट इज ओनली फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार हमें जो पूछा जाएगा वो बाइनरी ही पूछा जाएगा। देयर कैन बी अ टर्नरी सॉल्यूशन, देयर कैन बी सॉल्यूशन हैविंग मोर देन 2 और 3 और 4 और 5 सॉल्वेंट्स या 5 सॉल्यूट्स। तो हम लोग एक जनरलाइज्ड इक्वेशन भी इसकी लिखते हैं, वो इक्वेशन भी मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूं। अब अगर मैं इसे, अब हम लोग इसकी एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं, तो जनरल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? सपोज मोल्स
ऑफ सॉल्यूट लिखना है, पर वो सॉल्यूट जो है ना वो सिंगल सॉल्यूट नहीं है। यानी ऐसे समझिए कि मैं अभी एक ऐसा सॉल्यूशन बना रहा हूं जिसके अंदर फोर कंपोनेंट्स अगर प्रेजेंट होगा तो उसके अंदर सपोज करिए मैं बोल रहा हूं कि तीन सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, इस तरह का कोई अगर सॉल्यूशन है तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू moles of A whole divided by moles of A plus moles of B plus moles of C plus moles of D। अगर मैं कह रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालो तो आप क्या लिखोगे, moles of B whole divided by moles of A plus moles of B plus moles of C plus moles of D। सिमिलरली जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ C निकालोगे तो क्या लिखोगे, moles of C whole divided by moles of A plus moles of B plus moles of C plus moles of D। और सिमिलरली जब चौथे कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, moles of D is equal to moles of A plus moles of B plus moles of C plus moles of D। अब मान लीजिए चार कंपोनेंट वाला था तो आपने ऐसे लिख लिया, लेकिन इसी को अगर मुझे जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना है जहां पे n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वहां पे प्रेजेंट है तो फिर मैं इसको कैसे लिखूंगा, उसको जरा ध्यान से देखिए, उसको जरा ध्यान से देखिए कि हाउ आई राइट द इक्वेशन फॉर इफ देयर आर मोर देन 5 या मोर देन 6 और इफ आई डोंट नो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। तो x ऑफ i का फार्मूला होगा n ऑफ i डिवाइडेड बाय n1 plus n2 plus n3 plus dot 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 dot। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आपको एक्सप्रेशन लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, x of i is equal to ni by n1 plus n2 plus n3 plus dot 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 ni का। अब देखिए i क्या है, सपोज यू वांट टू कैलकुलेट फॉर द फर्स्ट कंपोनेंट तो आप यहां क्या लिखोगे, n1 by यहां से लेके लास्ट तक जितने भी कंपोनेंट होंगे, सपोज 5 कंपोनेंट है तो i की वैल्यू कहां तक जा सकती है, 5 तक जा सकती है। एक्चुअली यहां पे n of i नहीं होना चाहिए, n ही होना चाहिए या n के पावर n होना चाहिए, सो दैट कि जितना तक इसका जितने भी कंपोनेंट्स है, वेयर n इज व्हाट, n इज द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, n इज व्हाट टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो n जो है वो मैंने स्मॉल n पे यहां पे लिखा हुआ है, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है। अब मान लीजिए आपको फर्स्ट कंपोनेंट का निकालना है तो आप क्या लिखोगे, n1 by n1 plus n2 plus n3 plus कहां तक, जितने भी टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट दिए हुए। सिमिलरली अगर दो सेकंड x माने x मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सॉल्यूट निकालना है तो आप क्या लिखोगे, मोल्स फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ 2 by n1 plus n2 plus n3 plus dot 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 जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे वहां तक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सा फार्मूला हो जाता है जिसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए, और इसको आप तब यूज करोगे जब वी हैव मोर देन टू सॉल्यूशंस, मोर देन टू सॉल्यूट्स या मोर देन टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। बाइनरी वाला तो आपको ध्यान होगा, मैंने भी थोड़ी देर पहले लिखवाया था। अब अगर यहां पे सपोज करिए कि 5 कंपोनेंट है तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना कि x ऑफ a प्लस x ऑफ b प्लस x ऑफ c प्लस डॉट 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 जितने भी x होंगे n के सारे की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। अगर दो कंपोनेंट था तो मैंने क्या लिखा था, x of a plus x of b is equal to 1। ये x नहीं है, actually it is not x, this is mole fraction। तो mole fraction अगर n component का निकालना है तो आप क्या लिखोगे, mole fraction of a plus mole fraction of b plus mole fraction of c plus dot 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 mole fraction of n, nth component जो solution में present है उसका mole fraction भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अगर यहां तक के आपके concept clear हैं तो एक सवाल आप अपने copy में लिखिए, calculate the mole fraction of benzene solution, calculate the mole fraction of benzene solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride। मैं वापस एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन लिखिए, calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride, carbon tetrachloride। सॉल्व करने के सवाल को तो मेरे ख्याल से आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी
मेरे से ये कह रहा है कि देयर आर टू कंपोनेंट्स, एक तो आपके पास क्या प्रेजेंट है, बेंजीन प्रेजेंट है और दूसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4 और बेंजीन मतलब C6H6। चूंकि उसने कहा है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा है, 30% सॉल्यूशन है बाय मास, यानी आप लोगों को मैंने मास वाला जो डेफिनेशन है वो मैंने पढ़ा रखा है कि अगर कोई 30% बाय मास कहता है इसका क्या मतलब है कि 30 ग्राम बेंजीन, 30 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्वड इन, इज डिसॉल्वड इन 70 ग्राम ऑफ CCl4। बिकॉज यहां पर जो आपका बेंजीन है वो क्या है, सॉल्यूट है, और जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये क्या है, सॉल्वेंट है। चूंकि 30% बाय मास है इसका मतलब इसके 30 ग्राम होंगे और इसके 70 ग्राम। आपसे उसने सवाल में पूछा है बताइए मोल फ्रैक्शन कितना है C6H6 का, और साथ में हमें ये भी बताइए कि मोल फ्रैक्शन कितना है CCl4 का, ये भी हमसे उसने पूछ रखा है कि CCl4 का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। अब देखिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स ऑफ बेंजीन, मोल्स ऑफ बेंजीन होल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ CCl4, ये डेटा मेरे को चाहिए। और जब मुझे मोल फ्रैक्शन CCl4 का निकालना है तो मुझे चाहिए मोल्स ऑफ CCl4 बाय मोल्स ऑफ C6H6 प्लस मोल्स ऑफ CCl4। यानी हमारा नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए, नेक्स्ट काम होना चाहिए कि मुझे मोल्स ऑफ बेंजीन और मोल्स ऑफ CCl4 निकालना चाहिए। तो अब मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू होता है मास होल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, मोलर मास। अब थोड़ा देखिए क्या मुझे मोल निकालने के लिए मास और मोलर मास चाहिए, तो क्या मैं C6H6 का मोलर मास निकाल सकता हूं, अगर निकाल सकते हैं तो हमें यही निकाल लेना चाहिए। चलिए C6H6 का मोलर मास, इसको मैं कैपिटल M से डिनोट कर रहा हूं, क्या लिखेंगे, 6 into 12 प्लस 1 into 6, इसको जरा कैलकुलेट करिए, 72 और 6 78 ग्राम आएगा। सिमिलरली अगर मुझे CCl4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, कार्बन एक मॉलिक्यूल है तो 1 into 12 प्लस क्लोरीन के 4 मॉलिक्यूल है 4 into 35.5। थोड़ा सा सोच के कैलकुलेट करिएगा तो तुरंत से हो जाएगा, 35 into 4 is 70 और 4 times 0.5 करिएगा तो 2, यानी 72 प्लस 12 is 154 ग्राम्स। तो ये आपका 154 ग्राम्स निकलकर आ गया। अभी मुझे क्या पता चल गया, मॉलिक्यूलर मास पता चल गया। अच्छा मास तो ऑलरेडी हमें पता है ना, 30 ग्राम्स ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्वड इन 70 ग्राम ऑफ CCl4। तो हमारा नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए, मोल्स ऑफ C6H6 निकालना। मोल्स ऑफ C6H6 आप कैसे निकालोगे, 30 होल डिवाइडेड बाय, क्योंकि बेंजीन 30 ग्राम था और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 78 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मोल्स ऑफ C6H6 आ जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे यानी मोल्स ऑफ CCl4 जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 70 होल डिवाइडेड बाय 154। इन दोनों को सॉल्व करिए आपको मोल्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और जो मोल्स की वैल्यू निकल के आ रही है वो है 30 by 78 is 0.385 आ रहा है, और मोल्स ऑफ CCl4 जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो रहा है 0.455। आप इसे खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। Once you have calculated this, अब हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों का जो वैल्यू है वो यहां पर और यहां पर क्या कर देना चाहिए, पुट कर देना चाहिए। अगर हम उसे वहां पर पुट करते हैं तो क्या आंसर आएगा उसको जरा चेक करते हैं। अब हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को उस फॉर्मूले में मैंने क्या किया, पुट किया। जब मैं इसे पुट कर रहा हूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 ये क्या होगा, मोल्स ऑफ बेंजीन कितना निकल गया है,
0.385 होल डिवाइडेड बाय 0.385 प्लस 0.455। इसको सॉल्व करने पर आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आएगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए, 0.0455 होल डिवाइडेड बाय 0.385 प्लस 0.455। इसको सॉल्व करने पे मेरा CCl4 आएगा, और जैसा कि आंसर मेरे पास लिखा हुआ है तो जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो आ रहा है 0.458। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, और जो इसका काउंटर पार्ट होगा वो आएगा 0.542। ये नीचे वाला कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं भी पड़ सकती है, वो क्यों, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। तो अगर मैंने एक का वैल्यू निकाल लिया है तो दूसरा मुझे निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं दूसरा न भी निकालूं तो मैं निकाल सकता हूं, सपोज मैं इसे बी मान रहा हूं, तो मोल ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 - 0.458, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 0.542 के बराबर। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपसे सवाल में उसने यही पूछा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी आपको क्या करना था, निकालना था, यानी कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो स्पेसिफिकली उसने सिर्फ बेंजीन का पूछा था, अगर बेंजीन निकल गया है तो CCl4 भी बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो होप कि मोल फ्रैक्शन रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना है, किसी भी सवाल में यही ध्यान रखना होता है कि मेरे को क्या पूछ रहा है। सपोज इज आस्किंग अबाउट मोल फ्रैक्शन, तो आई हैव टू लिंक कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे क्या चाहिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, मुझे मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स चाहिए। अब मोल अगर मुझे बोल रहा है तो नेक्स्ट मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, कि अब मैं मोल्स कहां से लाऊंगा, तो फिर मैं मोल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। फिर मेरे को ये ढूंढना है कि क्या यार मेरे को मास का कोई इंफॉर्मेशन है, तो हाँ मुझे ध्यान है कि हाँ यार सवाल में मेरे को 30 grams ऑफ बेंजीन बोला है, 30% बाई मास बोला है, तो 30 ग्राम हो गया, तो मेरे को मास पता चल गया। अगर मेरे को मास पता है, आई कैन इजीली कैलकुलेट दी मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास इज मोल्स। एक बार मोल्स निकल गए तो आपने मोल फ्रैक्शन का जो भी फॉर्मूला लिखा था उसके अंदर आपने वैल्यू को पुट किया एंड यू हैव गॉट दी आंसर। तो हो कि आपका कॉन्सेप्ट मोल फ्रैक्शन का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हेडिंग डालिए मोलैरिटी, हेडिंग डालें। अगला जो कंसंट्रेशन टर्म है हमारा वो है मोलैरिटी, तो आप हेडिंग डालें अपनी कॉपी में मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला आप लिखिए, राइट, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 liter और 1 cubic decimeter ऑफ द सॉल्यूशन, फुल स्टॉप। मैं वापस एक बार और डेफिनेशन को बोल रहा हूं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 liter और 1 cubic decimeter of solution. Full stop. It is a function of temperature. It is a function of temperature. तो समझने वाली बात यह है कि what is the formula जिससे हम molarity को define कर रहे हैं। Defining molarity बहुत ज्यादा आसान होता है, because मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो लीटर बोले या डेसीमीटर बोले बात एक ही है, क्योंकि एक रिलेशनशिप मैं भी आपको यहां दिखा देता हूं कि क्या होता है, 1 cm³ इज इक्वल टू 1 ml के बराबर होता है। इसको ना थोड़ा फील भी करते हैं कि हाउ दिस रिलेशनशिप मेरे को ध्यान रह जाएगा, ये रिलेशनशिप मेरे को कब ध्यान रहेगा, जब मैं इसे फील कर लूंगा कि क्या होता है। अब आप देखिए 1 cm कितना होगा, इतना सा,
अगर मैं एक ऐसा क्यूब बनाऊं जिसका लेंथ भी 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर और हाइट भी 1 सेंटीमीटर, अगर लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों 1 सेंटीमीटर है तो काफी छोटा सा एक डब्बा बनेगा, एग्जैक्टली उतना ही बड़ा डब्बा बनेगा जितने बड़े डाइस से आप लूडो खेलते हैं, वो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का ही होता है। उस डब्बे में अगर मैं पानी भरूं तो कितना पानी अटेगा उस डब्बे में, the volume of water which will be stored in that particular छोटा डब्बा is equal to 1 ml, तो वहाँ 1 ml पानी अटेगा। तो ये relationship मुझे ध्यान रखना है कि 1 centimeter cube is equal to 1 ml। अब मैं एक और relationship लिख रहा हूँ, 1 meter cube is equal to 1000 liters, ये भी एक relationship है। इसको भी अगर सिमिलरली जैसे मैंने ये समझा है, अगर इसे भी समझने की कोशिश करते हैं तो मेरे को क्या समझ में आना चाहिए कि अपन एक टैंक बना रहे हैं। टैंक कितना बड़ा है, 1 meter उसकी हाइट है, 1 meter उसका लेंथ है और 1 meter उसका ब्रेथ है, यानी ब्रेथ 1 meter, लेंथ 1 meter और हाइट 1 meter। ऐसे एक छोटा सा कोने में हम टैंक बना सकते हैं। अगर किसी कोने में आपने वैसा एक टैंक बनाया है जिसका लेंथ भी 1 meter है, ब्रेथ भी 1 meter और हाइट भी 1 meter है, उसके अंदर जितना पानी अटेगा दैट इज इट्स वॉल्यूम, तो वो कितना लीटर अट सकता है। 1 meter मतलब आप समझते हैं ना, 1 meter का स्केल आपने देखा होगा, खास करके जो शॉप्स वगैरह होते हैं वहां पे लोग 1 meter से कपड़ा वगैरह काट के देते हैं, तो उस मीटर का अगर एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट लिया जाए तो उसमें 1000 liter पानी अट जाता है। ये 1 meter cube और डेसीमीटर क्यूब के बीच में एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है वो देखते हैं। 1/, चूंकि मुझे मीटर से कहां जाना है, डेसीमीटर को जाना है, आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम मीटर टू डेसीमीटर, तो जब हम मिली सेंटी डेसीमीटर वाला फॉर्मूला आपको बता होगा, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, ये फॉर्मूला पता है। वी वॉन्ट टू मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, अगर आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो यू नीड टू मल्टीप्लाई इट, तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो चूंकि मीटर क्यूब है, 1 meter बराबर 10 सेंटीमीटर, तो मीटर क्यूब होगा तो मैं क्या लिखूंगा, 3 × 10 लिखूंगा ना, 10 × 10 × 10, और इसे मैं क्या लिखूंगा, dm cube। अब ये कितना हो गया, 1000 डेसीमीटर क्यूब, और ये किसके बराबर होगा, 1000 LTR के बराबर। ये अगर बैठ गया तो मैं क्या लिखूंगा, 1 decimeter cube is equal to 1 liter। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा रिलेशनशिप, यानी ये 3 relationship आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। अब आप एक बार थोड़ा डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए। वहां पे उसने बोला है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 1 लीटर और 1 cubic decimeter, 1 लीटर और 1 cubic decimeter। ये जो 1 cubic decimeter बोला है, मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर जो है वो 1 decimeter cube के बराबर होता है, और ये कन्वर्जन बिल्कुल आपके आंखों के सामने हुआ है, तो इसलिए मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि y 1 लीटर इज इक्वल टू 1 decimeter cube। इसीलिए डेफिनेशन उसने बोला है कि मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूटर, आइदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आइदर इन लीटर रख दीजिए या फिर डेसीमीटर क्यूब में रखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? बिकॉज़ लीटर एंड डेसीमीटर आर वन एंड द सेम थिंग, और ये रिलेशन बिल्कुल सामने आपके मैंने डिराइव किया है। अब मुझे बताइए कि अगर मुझे मोलारिटी का यूनिट पूछे, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोलारिटी, तो ऊपर क्या होगा, मोल्स होंगे, और इसको डिवाइड कैसे देंगे, एलटीआर से, तो आप क्या लिखोगे, मोल्स पर लीटर, यानी एसआई यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट होगा, यानी मोल पर लीटर विल बी द एसआई यूनिट ऑफ पर्टिकुलर दिस मोलारिटी। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग चेक करते हैं कि कैसे मुझे पता चलेगा कि मोलारिटी का मतलब क्या है। तो उसके नीचे एक लाइन लिखिए, 0.25 मोल लीटर इनवर्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH, NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, मींस 0.25 मोल्स ऑफ NaOH हैज बीन डिसॉल्वड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर आपसे कह रहा है कि 0.25 मोल
लीटर इनवर्स या बाई लीटर ऑफ NaOH सॉल्यूशन। आपसे क्या कह रहा है, 0.25 मोल पर लीटर ऑफ NaOH सॉल्यूशन, या आप एग्जांपल के रूप में अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, 0.25 मोल्स ऑफ NaOH इज डिसॉल्वड इन 1 LTR ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां चूंकि उसने सॉल्यूशन को स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो सॉल्यूशन पानी है कि अल्कोहल है कि क्या है, इसलिए सिंपली वी हैव रिटन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमें पता नहीं कि वो किस चीज का सॉल्यूशन है। अगर मुझे सॉल्वेंट के बारे में जानकारी देता, जैसे कि वो कहता कि सॉल्वेंट जो है यहां पे पानी है या सॉल्वेंट यहां अल्कोहल है, तो फिर हम लिखते कि 1 लीटर ऑफ अल्कोहल या 1 लीटर ऑफ वाटर। लेकिन चूंकि उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हमें ये 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ही लिखे हैं। तो अगर कहीं पे 0.5 m अगर कैपिटल लिखा हो ऑफ 0.5 m ऑफ अगर लिख दे NaCl, तो मेरे ख्याल से आप इसे भी आसानी से समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होगा, 0.5 moles of NaCl dissolved in जो भी सॉल्यूशन। जनरली हम लोग NaCl को एक्वस सॉल्यूशन में यानी पानी में ही डालते हैं, तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन अगर बनाया है तो आप लिखोगे कि 0.5 मोल्स ऑफ NaCl इज डिसॉल्वड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी में या फिर 1 dm³ पानी में आपने 0.5 मोल्स ऑफ NaCl को क्या किया है, डिसॉल्व किया है। तो होप कि इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया। अब एक सवाल वहां पर लिखिए, राइट द क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट। फॉर्मूला लिख लीजिए, CO ब्रैकेट NO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O इन 4.3 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। मैं वापस एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देना, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2O इन 4.3 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो हम लोग अभी कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने का। एक बार आप प्रयास कीजिए, हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अभी मैं सॉल्यूशन आपको इसका दिखा। तो मेरे ख्याल से एक बार आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब हम लोग कोशिश करते हैं इसके सॉल्यूशन को समझने के लिए। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, आप देखिए आपको क्या बोला है, उसने आपसे कहा है कि 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2O ये डिसॉल्व हुआ है, dissolved in 4.3 liter of solution, 4.3 liter of solution, जो भी solution है उसके 4.3 liter में मेरे ख्याल से ये dissolve हुआ हुआ है। अब आपसे कह रहा polarity calculate करो, यानी capital M calculate करो। capital M मतलब होता है moles of solute whole divided by volume of solution in liter। तो फॉर्मूले में मुझे देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, जब कभी भी कोई सवाल आप पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, आपको क्या निकालने बोला गया है वो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। उस चूंकि उसने हमें मोलारिटी निकालने बोला है, तो वो क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मुझे मोलारिटी निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, देखिए मैं कैपिटल एम गलती से लिख रहा हूं, ये एक्चुअली छोटा एम होना चाहिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास, डबल एम, क्योंकि सिंगल एम से हमने मोलारिटी को दिया है, इसलिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो भी आपका सब्सटेंस है उसके बारे में हम लिखते हैं, दैट इज कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2O। अब अगर मेरे को इसका मास चाहिए तो मास तो मेरे को यहां से मिल जाएगा, यानी मेरे को न्यूमरेटर के बारे में पता है 30 / मेरा नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए, आई नीड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 58.7 प्लस
टू टाइम्स नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल है 14 प्लस 3 टाइम्स 16 प्लस 6 टाइम्स वाटर का हमेशा हमें पता रहता है कि 16 प्लस 2 18 ही होता है, फिर भी 2 into 1 प्लस 16 ये मैं ऐसे लिख देता हूं। इसको जब आप सॉल्व करिएगा ये होगा 58.7 प्लस ये 48 48 प्लस 10 इज 58 58 प्लस 4 इज 62 2 into 62 प्लस 6 into 18 इन सबको जब आप कैलकुलेट करके ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आपके सामने आएगी वो आएगी 290.7 ग्राम। एक बार अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकल गया तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी निकल गया 290.7। इसको जो आप डिवाइड देते हैं तो जो आपका मोल्स आता है उसकी वैल्यू है 0.103। आपको एक बार मोल्स निकल के आ गया, वंस यू नो दिस आपको वॉल्यूम पता है क्या, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यस आई नो इन लीटर इन टर्म्स ऑफ लीटर ओनली, तो फिर डायरेक्टली मैं यही कैलकुलेट कर देता हूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 0.103। कहां से उठाया मैंने ये वैल्यू, यहां से उठाया। ये कैसे निकला, जब आपने मॉलिक्यूलर मास को कहां पुट किया, मॉलिक्यूलर मास को उठा के यहां पुट किया, इसकी वैल्यू से मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया, तो ये मैंने एज इट इज यहां रख दिया और वॉल्यूम ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 4.3 और ये लीटर में ही दिया हुआ है। तो डायरेक्टली जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो मोलारिटी जो आती है वो आती है 0.0024 मोल लीटर इनवर्स। मोलारिटी की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स। तो अगर ये सवाल समझ में आ गया हो तो फिर आप कोई भी सवाल जो मोलारिटी रिलेटेड होगा वो आसानी से कर लेंगे। और एक बार अगर मेरे को कोई ये बता दे कि ये जो हमने लिखा है 0.024 मोल लीटर है बस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि 0.024 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारा क्या है 60 पॉइंट बोल रहा हूं कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2O वो एक लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। वो कितने में प्रेजेंट है, एक लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया। इसको उतार लीजिए और कोई डाउट हो तो आप में से पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर सब लोगों को पता है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा, उसके अंदर भी आप क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली मेरे को कॉन्टेक्ट करिए। जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं वो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में भी इसको पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में व्हाटएवर डाउट यू आर हैविंग जस्ट पुट योर डाउट, आई विल सॉल्व इट और उसका सॉल्यूशन आपको एक दिन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो टर्म हमें पढ़ना है वो क्या है, दैट इज मोलालिटी। मोलालिटी एक काफी इंपॉर्टेंट सा टर्म इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे एक्सप्रेशन आपके मोलालिटी के टर्म्स में आते हैं या मोलालिटी के टर्म्स में आते हैं। देखिए कंफ्यूज मत करिएगा, मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑलमोस्ट सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, पर मैं मोलालिटी ही बोल रहा हूं, MOLALITY मोलालिटी। मोलालिटी को हम छोटे m से यानी क्या स्मॉल m से हम उसको डिनोट करते हैं। एक बार आप इसका डेफिनेशन लिख लें, देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है मोलालिटी, राइट। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी मोलालिटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। केजी में हम इसे लिखते हैं। अगर मान लीजिए मुझे केजी में नहीं लिखना है तो फिर मैं इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन, अगर आप इसे ग्राम में पुट कर रहे हैं तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। व्हाई यू विल मल्टीप्लाइड बाय 1000, बिकॉज जब आप केजी को ग्राम में लिखेंगे तो आप कैसे लिखोगे, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम।
तो आप इसे ग्राम में लिखे तो नीचे आप क्या लिखोगे 1000 ग्राम लिखोगे। अगर आप नीचे 1000 ग्राम लिख रहे हो तो 1000 का टर्म एक्स्ट्रा आ गया तो वो नीड टू बी मल्टीप्लाइड ऊपर, तो वो आपको ऊपर क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जब कभी भी, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपको डायरेक्टली केजी के टर्म्स में नहीं दिया गया होता है, आपको किसके टर्म्स में दिया गया होता है ग्राम के, मतलब जो मासेज है वो जनरली ग्राम के टर्म में दिए रहते हैं। चूंकि आपको ग्राम के टर्म में दिया है और आपको एक्सप्रेस करना है उसको केजी के टर्म में, तो आपको क्या करना पड़ेगा 1000 का फैक्टर वहां पे चला आता है तो वो 1000 आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे लिखें। चलिए इसके नीचे एक सवाल लिखते हैं हम लोग। राइट, इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज 1.25 ग्राम ml इनवर्स एंड इट कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयंस पर केजी ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सोडियम आयन इन द लेक। ये आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और दो बार ये बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। मैं वापस एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं। इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज 1.25 ग्राम ml इनवर्स and it contains 92 gram of sodium ion per kg of water, calculate the molarity of sodium ion in the lake. चलिए we look into the solution of this particular question. आपको पूछा है molarity of that particular salt lake या जिस भी lake की वो बात कर रहा है, तो molarity निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखिए मेरे को मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। आपके इस एग्जांपल में जो आपका सॉल्यूट है वो Na+ है, Na+ है। अगर मेरा सॉल्यूट Na+ है तो मेरे को मास ऑफ Na+ आयन बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, मेरे को मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए एटॉमिक मास लिखना चाहिए। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, अब थोड़ा ध्यान से देखिए क्या आपको मास ऑफ Na+ आयन दिया हुआ है। हाँ, उसने बोला इट कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन, तो आप मास क्या लिखोगे ऊपर 92 और नीचे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना होता है 23। आप देखिए ये चार बार में कट जाएगा तो आपका कितना मोल आएगा 4 मोल आएगा। अब नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट, अब देखिए सॉल्वेंट वहां पर क्या दिया हुआ है, सॉल्वेंट क्या है पानी है, क्योंकि उसने खुद ही बोला है ना इट कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन पर केजी ऑफ वाटर, यानी 1 केजी ऑफ पानी आपका सॉल्वेंट है, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपको दे दिया। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट होगा 1 केजी के बराबर। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने निकाला 4 और मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 1। आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा मोलालिटी इज इक्वल टू 4 मोल और नीचे केजी इनवर्स, ये आपका सॉल्यूशन आ गया, यानी मोलालिटी इज इक्वल टू 4 मोल पर केजी। अब मेरे मन में एक डाउट यहां पर आना चाहिए, सर इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में पहले लाइन में लिखा हुआ है इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज 1.25 ग्राम पर ml, ये डेटा तो कहीं आपने यूज ही नहीं किया। इस तरह के कई सारे डेटा आपको कई बार क्वेश्चन में दिए रहते हैं जिसको हम लोग डमी डेटा बोलते हैं, वो कभी भी क्वेश्चन में यूज नहीं होता है। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना होता तो फिर मेरे को डेंसिटी का जरूरत पड़ता, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, तो मेरे को वॉल्यूम निकालना होता तो शायद मैं मास बाई डेंसिटी करता तो वॉल्यूम निकलता, पर मोलालिटी में वॉल्यूम का तो हमें कोई काम नहीं है ना, मोलालिटी में हम वॉल्यूम नहीं निकालते हैं, मोलालिटी में हम क्या निकालते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये मोलारिटी पूछ रहा होता, मोलारिटी पूछता तो मुझे वॉल्यूम चाहिए था, तो फिर वहां पे भली हम लोगों को ये वाला टर्म यूज में आता, क्योंकि हमें मोलालिटी पूछा है तो यहां पे तो हमें वॉल्यूम का कोई टर्म नहीं, हमें तो सॉल्यूट का मोल्स चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, हमने इसको सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ गया।
ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका फंडामेंटल जो है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यानी फंडामेंटल मतलब डेफिनेशन एकदम क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर, जो भी एक्सप्रेशन टर्म है कंसंट्रेशन का, उसका डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो फिर ये आसानी से हम लोग समझ जाते हैं। अब लास्ट आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। बस छोटी सी बात एक और समझानी है आपको, वो ये है कि हम लोग जो ये निकाल रहे हैं इसको यूज कहां करेंगे। आगे चल के हमें दो लॉ पढ़ना है, एक लॉ का नाम है हेनरीज लॉ, एक लॉ का नाम है रॉल्स लॉ। इन दोनों लॉ में जो हमारा एक्सप्रेशन आता है वो आइदर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन और प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी और प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी आता है, क्योंकि यही तीनों टर्म के प्रोपोर्शनैलिटी में वो सारे जो आपके एक्सप्रेशन है वो आ रहे हैं। इसलिए हमें ये तीनों टर्म का जानना फंडामेंटली कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आज की क्लास आपको समझ में आई है, होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अच्छे से पूरा वीडियो देखा होगा, तो ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।